अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड जैम स्विस रोल, बहुत ही इजी झटपट से, जब गैस ना आ रही हो या ऐसा टाइम हो जब हल्की फुल्की भूख लग रही हो, तो बच्चों को देना हो लंच बॉक्स, इस तरह के ब्रेड रोल जैम्स बहुत ईजीली बन जाते हैं। 5 मिनट की रेसिपी है, उससे भी जल्दी बन जाते हैं अगर आप जल्दी जल्दी काम करने की आदी है। तो इसके लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं, उनके हमने साइड से किनारे वगैरह उतार लेने हैं, और फिर हमने इसको लेना है थोड़ा सा फ्लैट। सारे स्लाइसेस को मैं फ्लैट कर लूँगी बेलन की मदद से। ऐसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप ऐसे भी बगैर फ्लैट किए भी आप इसका रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। सिंपल मैं इसके ऊपर मैंगो फ्लेवर जैम लगा रही हूँ, कोई भी स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट, कुछ भी आप इस पर जैम जेली वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं। टी टाइम स्नैक के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ईजी 2 मिनट में बन जाते हैं। ये देखें जी, नाश्ते में भी आप इसको ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में जब बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल जा रहे होते हैं तो और कोई ऑप्शन उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से हमने सारे पीसेस को रोल कर लेना है। रोल करते जाएंगे इसको हल्के हल्के हाथ से, और इसको हम इस तरह से रोल बना के, तो ये जो है हमारा, अगर हल्का सा क्रैक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारे रोल्स हो गए हैं रेडी। ब्रेड जो रोल जैम को अगर हम कट कर लें तो ये एक छोटे छोटे स्लाइसेस में बिल्कुल बाइट्स की तरह बन जाएंगे, तो ये भी हमें खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। आप जो मर्ज़ी फ्लेवर की आप लगा सकते हैं, तो इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी भी लगा सकती हूँ, स्ट्रॉबेरी के साथ भी इसको रोल कर लूँगी। स्ट्रॉबेरी जैम लगाना चाहे आप, बहुत ही यम्मी लंच बॉक्स की रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कलर फ्लेवर आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रोल्स की सूरत में नहीं, सिर्फ स्लाइसिस में भी कट करके, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।